जनपद में लगातार हो रही झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिला है, जिसके संबंध में आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि जनपद में 34 मिलीमीटर बारिश हुई है तथा मौसम विभाग द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई है इसके अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम में बदलाव रहेगा तथा कुछ जगह पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि बुधवार को ही बारिश से कहीं पर किसी प्रकार की जनहानि की सूचना प्राप्त नहीं हुई है तथा सभी तहसीलों पर अवगत करा दिया गया है कि कहीं से जनहानि की या पशुहानि की सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए अभी जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार अभी अगले 3-4 दिनों तक मौसम परिवर्तित रहेगा। कुछ जगहों पे अधिक बारिश होने की भी संभावना व्यक्त की गई है, वज्रपात की घटनाओं की भी संभावना व्यक्त की गई है। तो अगले कुछ दिनों तक मौसम जो रहेगा वो इसी प्रकार बना रहेगा। सर आज बारिश हुई है, कहीं जनहानि की सूचना? नहीं, अभी तो कहीं कोई जनहानि की सूचना प्राप्त नहीं हुई है और सभी तहसीलों को अवगत करा दिया गया है। अगर कहीं से कोई जनहानि या किसी प्रकार की पशु हानि की कोई सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल उन्हें राज्य आपदा मोचक निधि के अंतर्गत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सर सुबह जो बारिश हुई कितनी मिली हुई? देखिए अभी तहसीलों से जो रिपोर्ट हमारे पास प्राप्त हुई है उसके अनुसार एवरेज रेनफॉल तो हमारे वहाँ तकरीबन 34 के आसपास की है, लेकिन हर तहसीलवार भी उसका मतलब सर्वे किया जा रहा है और अभी तो जो दिन भर की जो रेनफॉल मिला है वो 34 मिलीमीटर की है। सर